हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज रहे हैं और देखिए आज भी मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि अभी तो मेरा ये डेली का रूटीन बन चुका है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी आलू के साथ, और बनेगी रोटी, थोड़ा सा चावल और रहेगा दही। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो पनीर था वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। बस थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद इसको हम उतार के फिर अपना सब्ज़ी चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रेसिपी मैं शॉर्टकट में ही कर रही हूँ। किस तरह से मैं बहुत ही कम टाइम अगर हाथ में रहता है तो कैसे पनीर की सब्ज़ी बनती है, वही उसी की रेसिपी है ये। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। मेरा वो पनीर तो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्रेशर में चढ़ा दिया थोड़ा सा चावल। पनीर मैं उतारने वाली हूँ, और बस अब हमारा जो मसाला रेडी है वो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राई किया हुआ, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली इसलिए वाइट ही दिख रहा है। आप लोगों को पसंद तो हल्दी डाल दीजिएगा। और ये मैंने बहुत बारीक बारीक आलू काट के रख दिया है, और अभी मैंने इसमें गर्म खड़े मसाले थे वो तड़का लगाया फर्स्ट में, और उसके बाद मैं ये प्याज बारीक कटा हुआ प्याज को पूरा भूनने वाली हूँ। तो पूरा ब्राउन करने तक हमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स, वहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं रायता के लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ। तो मैंने दही डाल दिया है, और रायता बनाना आप लोगों को तो आता ही है, मैं अलग से बताऊंगी नहीं। और अगर किसी को रायता का अच्छा सा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छे से उसका मतलब डिटेल में वीडियो डाउनलोड मतलब अपलोड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो मसाले हैं हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सारा एक साथ दे दिया है, और नमक टेस्ट के अनुसार भी दे दिया है। अब इसको हम जब तक ना तेल निकलेगा तब तक फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, बहुत सारा दिया है। यही हमारा बेस है, यही हमारा पनीर का ग्रेवी बनेगा।
कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। हो गया है रेडी और मैंने टिफ़िन बॉक्स में इसको पैक करके रख दिया है। और अभी मैंने वो पनीर की जो सब्ज़ी बनाई थी उस सब्ज़ी को ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि गरम गरम बॉक्स में मतलब सेट नहीं कर सकते, तो ये जब खाना खाने जाएंगे तो ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैंने देखिए इसको भी ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये रहा मेरा 3 बॉक्स। आज के लिए युद्ध ही समाप्त होता है, तो चलते हैं देखते हैं। अभी भी थोड़ा सा पैकिंग बाकी है, क्योंकि पैकेट में भरना बाकी है, बॉक्स में तो आ गए हैं, तो उसके बाद ही बोल सकते हैं कि हाँ कंप्लीट हुआ है। तो आज का मेनू आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही फास्ट मैंने ये पनीर आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो रेसिपी भी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ठीक है, चलते हैं बाकी काम करके फिर मिलते हैं। ओके, मुझे एक फ्रूट देना था तो इसीलिए मैंने एक एप्पल और एक बनाना वो काट के वो भी मैं टिफ़िन बॉक्स में दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लंच में थोड़ा सा खाना खाने के बाद फ्रूट खाने का दिल होता है, इसीलिए मैं फ्रूट भी दे देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और देखिए अक्षत कितना एक्साइटेड है। ये इसका ब्रेकफास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए इसमें हमला कर रहा है। रुको रुको रुको, मैं दूंगी, देखिए ये मेरे लिए मैंने मैगी बनाया था, तो इसीलिए अभी इसको भी ये चाहिए। और हमारा किचन का काम हो गया है कम्प्लीट, हमारा खाना बनाना हो गया है कम्प्लीट, और देखिए कैसे करेगा। और अभी मैं ये यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मैगी इन्जॉय कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा भी है आज, तो गर्मा गर्म मैगी तो भाई किसको ना अच्छा लगता है। और इसको देखिए, अभी ये यही वाला मैगी देखिए अभी ये खाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूंगी। हाँ हाँ, देती हूँ, रुको रुको, देती हूँ। ये देखिए अभी ये नहीं, हाथ में नहीं, इसको अपना ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आता, इसके लिए जो बना है वो है यहाँ पे। ये रहा इसका बनाना और रवा पोरीज, तो ये अभी बाद में इसको खाएगा, पहले ये देखिए मेरे नहीं पापा, अभी हम ये अभी नहीं खाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रुको पापा रुको, मैं दूंगी, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जो मैंने बनाई थी शॉर्टकट वाली, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये बहुत एक्साइटेड है देखिए खाने के लिए, बार बार इसमें हाथ डाल रहे हैं, देखिए। हाय, क्या कर दिया, नहीं पापा नहीं मारते। चलो ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।